welcome back to my channel benzel biology in today's video we are going to see regarding the cell signaling previous year questions uh, I would request you to please go through the videos regarding the cell signaling that is mentioned in the uh, in the playlist by the name cell signaling the link of that playlist I will mention in the i button so that it is very easy for you to search them. सो so, आप पहले वो देख लीजिएगा फिर इस वीडियो पे आइएगा ताकि आपके जो दिमाग में पूरा सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाए जी पी के दोनों सिग्नलिंग आपको अच्छे से आती हूँ ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो गाइज यहां पे हम देखने वाले हैं आई आई जैम के बारे में तो आई आई जैम में जो क्वेश्चन आते हैं सेल सिग्नलिंग के रिलेटेड वो दो सिग्नलिंग से आते हैं जीपीसीआर सिग्नलिंग से और आर टी के सिग्नलिंग से ठीक है ये दो टाइप की सिग्नलिंग होती है जिसमें से आई आई टी जैम में जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में सो so, हम एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले जो है हम टू थाउजेंड टेन के क्वेश्चन को देखेंगे हम पुराने क्वेश्चन से नए क्वेश्चन पे आएंगे तो सबसे जो ओल्डेस्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो है आई आई टी जैम टू थाउजेंड टेन का सो so, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गया है विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड मेसेंजर टारगेट्स प्रोटीन काइनेज ए तो अगर आपको सिग्नलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आई मस्ट टेल यू कि ये जी सिग्नलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जीपीसीआर सिग्नलिंग में क्या होता है अगर हम देखें तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिग्नलिंग होती क्यों है सेल तक मैसेज पहुंचाने के लिए तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सात बार क्रॉस करता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कितनी बार क्रॉस कर रहा है सात बार इसको बोलते हैं हम जी पी सी आर जी पी सी आर का पूरा नाम होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ये रिसेप्टर पे आके क्या बाइंड होता है कोई भी एक स्पेसिफिक लाइगेंड आके बाइंड होता है और वो लाइगेंड इस रिसेप्टर को बोलता है कि मुझे सेल में ये ये चेंजेस चाहिए ठीक है ये लाइगेंड आता ही इसलिए क्योंकि उसको सेल में कुछ चेंजेस करवाना होता है तो ये जीपीसीआर क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा अब ये मैसेज किसको देगा किसी और को पास करेगा तो यहाँ पे इसके साथ प्रेजेंट होते हैं जी प्रोटीन जिसकी कितनी सब यूनिट्स होती है तीन सब यूनिट्स होती है एल्फा बीटा और गामा नॉर्मली ये जो एल्फा सब यूनिट है वो जीडीपी से बाइंड होती है यानी कि किस फॉर्म में होती है ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है लेकिन जैसे ही जीपीसीआर एक्टिव हो गया वो इस जीडीपी को हटा देगा और इसकी जगह क्या इससे बाइंड करवा देता है जी को बाइंड करवा देता है जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है पहले किस फॉर्म में थी इनएक्टिव फॉर्म में थी अब हो गई एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट क्योंकि ये जी ने बाइंडिंग कर लिया एल्फा सब यूनिट से जैसे ही एल्फा सब यूनिट बाइंड हो जाती है जी से इसके भाव बहुत बढ़ जाते हैं ये बीटा और गामा को छोड़ देती है और अपनी अलग राह पे चल पड़ती है इसको राहा में कौन मिलेंगे इसको राहा पे मिलता है एक इफेक्टर मॉलिक्यूल जो कि भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है ये इफेक्टर मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से ये इफेक्टर मॉलिक्यूल है एडीनाइल साइक्लिस जो कि अब एक्टिवेट हो गया एल्फा सब यूनिट के आने की वजह से तो ये कन्वर्ट कर देता है ए टी पी को सी ए एम पी में ए टीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है सी ए एम पी में कैंप में और ये कैंप अब सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है क्योंकि प्राइमरी मैसेंजर क्या था प्राइमरी मैसेंजर वो लाइगेंट था जो बाहर से मैसेज लेकर आया सेकेंडरी मैसेंजर ये कैंप है जो कि सेल के अंदर मैसेज को पास करेगा अब ये कैंप क्या करता है अब ये कैंप किसी और को एक्टिवेट करता है सिग्नलिंग कैस्केड में चलता ही ऐसे ही पूरा कैस्केड होता है एक दूसरे को एक्टिवेट करता है दूसरा तीसरे को करता है तीसरे चौथे को करता है पूरा ऐसा एक पाथ पे चलता रहता है तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट होता है यहाँ पे एक्टिवेट होता है प्रोटीन काइनेस और ये वाला जो क्वेश्चन है ये जीपीसीआर के जीपीसीआर प्रोटीन काइनेस ए सिग्नलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको उस वीडियो वो वीडियो आपको आप प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगी सो so इस हिसाब से किसने एक्टिवेट किया प्रोटीन काइनेस ए को कैम्प ने एक्टिवेट किया तो क्या आंसर हो गया सी ए साइक्लिक ए इसका आंसर है सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे कैंप इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आई आई टी जैम टू का क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डाई ग्लिसरॉल इज नोन टू एक्टिवेट मतलब ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है डैग ये किसको एक्टिवेट कर रहा है वंस अगेन ये भी क्वेश्चन किसका है जी सिग्नलिंग का है लेकिन अभी ये क्वेश्चन जी पी सिग्नलिंग का है यानी कि जी की दूसरी सिग्नलिंग वंस अगेन क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे क्या प्रेजेंट था जी प्रेजेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सात बार क्रॉस कर रहा है ये इसकी खासियत होती है इसलिए हमें इसको बार बार ऐसे देखना होगा वंस अगेन लाइगेंड आएगा अब कहानी जो हमने पहले देखी वही सेम होगी या एक्टिव हो जाएगा इसके एक्टिव होने की वजह से जो एल्फा सब यूनिट है उस पर क्या बाइंडिंग हो जाएगी जी की बाइंडिंग हो जाएगी जिसकी वजह से ये भी एक्टिव हो जाएगा जी टीपी अपनी अलग राह पे निकल पड़ेगा एल्फा सब यूनिट के पास इसके पास क्या मिलेगा इसको एक इफेक्टर मॉलिक्यूल मिलेगा पहली कंडीशन में इफेक्टिव मॉलिक्यूल क्या थी एडिनाइल साइक्लेस इसमें कुछ और है इसमें जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो है फॉस्फो लाइपेस सी यहाँ पे भी एंजाइम है और पहले भी साइक्लेस था एंजाइम था दोनों ही कंडीशन में एंजाइम को ये एक्टिवेट करेगा जैसे ही फॉस्फोल आई पी सी एक्टिवेट हो जाएगा ये भी क्या करेगा ये कन्वर्ट करेगा किसको कन्वर्ट करेगा ये पी आई पी आई पी टू को कन्वर्ट करेगा आई पी थ्री प्लस डैग में पी आई पी टू क्या है फॉस्फो आइनोसिटॉल फोर फाइव पिसफॉसपिट को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने आई पी थ्री में जो कि आइनोसिटोल फोर फाइव वन फोर फाइव ट्राईफॉस्फिट और डैग क्या है डैग है ये डाई असाइल ग्लिसरॉल ठीक है अब ये जो डाई डाईअसाइल ग्लिसरॉल है वो सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे एक्ट कर रहा है जैसे कि पहली कंडीशन में कैंप एक्ट कर रहा था अब इसमें कौन एक्ट कर रहा है डैग एक्ट कर रहा है ये डैग अब किसको एक्टिवेट करेगा किसी और को वहाँ पे कौन एक्टिवेट हो रहा था प्रोटीन काइनेज ए यहाँ पे डैग को इसको एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेगा सिर्फ इतना सा डिफरेंस है वहां पे ए हो रहा था यहाँ पे सी हो रहा था तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखना कैसी स्टेटमेंट पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता रही है सेकेंडरी मैसेंजर से रिलेटेड या जिस किसके रिलेटेड कैंप के रिलेटेड यानी कि कैंप हमने अभी देखा था फुल नेम क्या होता है एडीनोजाइन थ्री फाइव साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट इनके बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ठीक है तो अभी हमने वो देख लिया था कहाँ पे हमने यूज किया था जी पी सी आर पी के तो उसी से रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चन होगा क्या है क्वेश्चन कि इट एक्ट्स एज अ सेकेंड मैसेंजर फॉर मेनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स ये सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे एक्ट कर रहा है रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के लिए बिल्कुल सही बात है कुछ रेगुलेट करवाने में ये हेल्प कर रहा है ना तो वो जो लाइगेंड है वो क्या है फॉर वो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है तो किसी भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के लिए सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर काम करता है सही स्टेटमेंट है इट एक्ट एस इंट्रा सेल्युलर इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर सेकेंडरी मैसेंजर इन न्यूरो क्यों नहीं एक्ट कर सकता न्यूरॉन्स के अंदर सेकेंडरी मेसेंजर की तरह ऑब्वियसली एक्ट कर सकता है क्योंकि भी, तो तो भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई इट एक्टिवेट स्पेसिफिक साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट प्रोटीन की एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनीज को जो अपनी एक्टिवेशन के लिए साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड पर डिपेंडेंट है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि साइक्लिक ए प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करता था तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई तो हमें फाइनली पता चल गई कौन सी स्टेटमेंट गलत है फोर्थ स्टेटमेंट गलत है इट प्रोवाइड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल नहीं ये सोर्स ऑफ एनर्जी का कोई रोल नहीं है ये सिर्फ मैसेज को पास करता है इतना सा इसका काम है कैंप का तो ये कब का क्वेश्चन था आईआईटी जैम 2012 का क्वेश्चन था तो आप देख सकते हो दो सिग्नलिंग सिग्नलिंग से रिलेटेड तीन क्वेश्चन हमने देख लिया और वो भी जीपीसीआर की ही सिग्नलिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ा रही हूँ अन अकेडमी प्लस पे मैं पढ़ा रही हूँ और पूरा जो प्लस का आईआईटी आई जैम का कोर्स है वो मैं ले रही हूँ ठीक है यहाँ पे अवंतिका बंसल नाम से मेरी प्रोफाइल है अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो मेरा जो चैनल नेम है दैट इज़ बंसल बायोलॉजी आप उसको सब्सक्रिप्शन कोड में जब डालेंगे वहाँ पर आएगा सब्सक्रिप्शन कोड में जब डालना है तो आपको पूरे टेन का डिस्काउंट मिलेगा सो दैट इज अमेजिंग थिंग आप वहाँ पे मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं मुझसे डाउट पूछ सकते हैं मेरी क्लासेस को लाइव अटेंड कर सकते हैं सो so ये बहुत सारे फायदे हैं वो इफ जस्ट अप्लाई बंसल बायोलॉजी एंड गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन एन अकेडमी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है आई आई टी जैम टू थाउजेंड फोर्टीन का क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है इसमें पूछा है कि द बाइंडिंग ऑफ अ हॉर्मोन मतलब हॉर्मोन कैसे एक्ट कर रहा है लाइक like गेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है टू विच रिसप्टर ठीक है जब एक लाइगन रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है तो वो एक्टिवेट कर रहा है एडिनाइज साइक्लेस को हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था थ्रू अ स्टिम्युलेटरी जी प्रोटीन देखा था ना हमने जी प्रोटीन जिसकी एल्फा बीटा और गामा सब यूनिट थी ठीक है इफ ड्यू टू म्यूटेशन अगर कोई म्यूटेशन हो गई और जी प्रोटीन जो है वो बाइंड नहीं हो पाया जी प्रोटीन बाइंड बट डज नॉट हाइड्रोलाइज सॉरी वो बाइंड तो हो पाया लेकिन हाइड्रोलाइज नहीं हो पाया जी टी पी से यानी कि ये जो बीटा गामा और एल्फा सब यूनिट थी तो ये एल्फा सब यूनिट जी से बाइंड हो गई लेकिन अब इससे अलग नहीं हो पा रही इसके साथ बाइंड ही है कंटिन्यूसली बाइंड है तो अगर ये बाइंड रही तो उसकी वजह से क्या होगा हमें ऑब्वियसली पता है अगर एल्फा सब यूनिट जी से बाइंड रही तो एल्फा सब यूनिट किसके पास जाती है एल्फा सब यूनिट जाती है इफेक्टर मॉलिक्यूल के पास और इफेक्टर मॉलिक्यूल को करती है एक्टिवेट तो अगर ये एल्फा सब यूनिट जी से ही बाइंड हुई और जी से बाइंड नहीं हो पाई तो उसकी वजह से क्या होगा ये एफेक्टर जो मॉलिक्यूल है, है ये फैक्टर मॉलिक्यूल है ये एक्टिवेट ही रहेगा क्या रहेगा ये एक्टिवेट ही रहेगा तो इसका ऑप्शंस क्या है एडीनाइल साइक्लेज कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड यस ए स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है बी क्या है एडीनाइल साइक्लेज विल नेवर बी एक्टिवेटेड गलत है क्योंकि एल्फा सब यूनिट पर अगर जी बाइंड हो गई यानी कि इफेक्टर मॉलिक्यूल एक्टिव होना ही है

तो यहां पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये आर के पाथवे का है जो पहले हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो जी पी सी आर के थे अब आरटी के सिग्नलिंग का है। तो आर टी के सिग्नलिंग में क्या होता है आर टी के सिग्नलिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहां पे आता है लाइकेंड लाइकेंड के आने की वजह से रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स का हो जाता है डाइमराइजेशन यानी कि दो रिसेप्टर मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं एक दूसरे का फॉस्फोराइलेशन कर देता है लेकिन फॉस्फोराइलेशन एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पे ही होता है और उस अमाइनो एसिड का नाम होता है टाइरोसिन तो इसका हो जाता है फास्फोराइलेशन। अब हमें पता है अगर रिसेप्टर मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया तो वो किसी और को एक्टिवेट करवाता है तो यहाँ पे ये जिस भी प्रोटीन को एक्टिवेट करवाएगा उस प्रोटीन के पास स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए उस रीजन को बोलते हैं एस एच टू डोमेन क्योंकि लिए सिर्फ एस एच टू डोमेन इसको पहचान पाएगी इस रिसेप्टर को पहचान पाएगी और इससे खुद को एक्टिवेट करवा पाएगी तो एस एच टू डोमेन तो चाहिए ही होता है हमें आर टी के पाथवे में ठीक है तो यहां से हमें पता चल गया कि एस एच टू डोमेन किसके साथ एक्टिवेट होती है टाइरोसिन फॉस्फोराइलेटेड टाइरोसिन पे ही एक्टिवेट होगी तो इसको क्या चाहिए इसको टाइरोसिन फॉस्फोराइलेटेड पेप्टाइड चाहिए वहीं से ही आरटी के पाथवे का नाम भी आता है आरटीके का फुल फॉर्म क्या होता है रिसेप्टर प्रोटीन टाइरोसिन काइनेस रिसेप्टर प्रोटीन टाइरोसिन काइनेस यहीं से नाम आया तो ये क्या है आरटी के पाथवे अगर आपको पूरी डिटेल इस सिग्नलिंग की चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और इन पे वीडियो देख सकते हैं

सिग्नल मॉलिक्यूल दूसरे सिग्नल को मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है तो इसकी वजह से सिग्नल क्या हो जाता है एम्पलीफाई होता जाता है यानी कि सिग्नल धीरे धीरे सिग्नल और स्ट्रोंग होता जाता है तो एक के बाद एक जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना मैसेज वैसे वैसे सिग्नल एम्प्लीफाई होता है और स्ट्रॉन्ग होता है जैसे कि जी ने सिग्नल दिया एक इफेक्टर मॉलिक्यूल को तो सिग्नल और स्ट्रोंग हो गया क्योंकि कैंप बन गया फिर कैंप ने प्रोटीन का को सिग्नल दिया तो फिर से जो सिग्नल है स्ट्रांग हो गया तो क्या होता है सिग्नल धीरे 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 एम्प्लीफाई होने लगता है तो इससे हमें आंसर क्या मिल गया एम्पलीफिकेशन ऑफ द सेल्युलर रिस्पॉन्स की सेल्युलर रिस्पॉन्स का एम्पलीफिकेशन हो जाएगा इसने प्राइमरी आउटकम पूछा ना कि पहला मेन प्राइमरी आउटकम क्या है इस कैस्केड होने का कि यही है कि एक एक करके सब कुछ जो है वो एक्टिवेट होता चला जाए और एम्प्लीफाई होता चला जाए So, ये था आई आई आईआईटी जैम टू का क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आई आई टी क्या मतलब होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं ठीक है इसमें पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ जीपीसीआर सिग्नलिंग से रिलेटेड तो पहला को, पहला स्टेटमेंट है कि जीपीसीआर कंटेन सेवन Yes. क्योंकि हमने देख लिया जी पी सी आर में कितनी बार कवर करता है कितनी बार उससे घूम के आता है तो सेवन टाइम्स तो पहला ऑप्शन सही हो गया जी पी सी आर लिंक जी प्रोटीन कंजिस्टिंग ऑफ एल्फा बीटा गामा सब यूनिट हेट्रो मतलब डिफरेंट ट्राइमिक मतलब तीन तो पता ही है हमें कि जी प्रोटीन होता है जी जी पी सी आर के साथ जिसके पास तीन सब यूनिट होती है एल्फा बीटा गामा और तीन डिफरेंट है इसलिए इसको क्या बोला है हैट्रोट्राइमेरिक बोला है तो बी स्टेटमेंट भी हो गई सही नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ जीपीसीआर पी लाइगेंट अगर यहां पे लाइगेंट आया ही नहीं तो एल्फा सब यूनिट जीटीपी से बाउंड रहेगी नहीं एल्फा सब यूनिट तो जी से बाइंड रहती है उस कंडीशन में तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया हमें आगे पढ़ने की जरूरत है पहले ही इन्होंने गलत बात बोल दी है नेक्स्ट इज इन द प्रेजेंस ऑफ जी पी सी आर इंटरक्टिंग लाइगेंट मतलब लाइगेंट प्रेजेंट है जी टी पी इज डिस फ्रॉम एल्फा सब यूनिट ऑफ जी डी जी प्रोटीन बाई जी डी पी मतलब क्या बोल रहा है अगर लाइगेंट बाइंड है रिसेप्टर से तो क्या होगा तो यहाँ पे एल्फा सब यूनिट पे जी टी पी बाइंड नहीं होगा बल्कि जी डी पी बाइंड होगा तो ये तो बिल्कुल गलत है जी डी पी कब बाइंड होता है जी डी पी सिर्फ कब बाइंड होता है जब लाइगेंट नहीं है जब लाइगेंट है तो जी आके बाइंड हो जाएगा और ये स्टेटमेंट उसका बिल्कुल उल्टा बोल रही है तो डी स्टेटमेंट भी क्या हो गई डी स्टेटमेंट भी बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई सो so ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर आईआईटी आई के रिलेटेड टू द सेल सिग्नलिंग आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर मोर क्लैरिटी आप बाकी वीडियोस देखिए तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इससे एंड सो गाइड थैंक यू सो मच फॉर वॉर द वीडियो डोंट फोर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच गाइज बाय बाय